26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई त्योहार, सबसे पहले जो मिठाई हम सभी के दिमाग में आती है, गोल गोल मोतियों जैसी बूंदी से बने बूंदी के लड्डू। आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे बिना झारा घर में रखी सिंपल चीजों से रसीले बूंदी के लड्डू। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ढेर सारी टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप दो चीजें सीखने वाले हैं, मंदिर जैसी रसीली मीठी बूंदी भी और फिर उससे बनने वाले बूंदी के लड्डू भी। तो एक बार सारी चीजें आप जान लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू। बनाने के लिए बूंदी, तो उसके लिए आप लीजिए एक बोल। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप बेसन। बूंदी बनाने के लिए कोई खास बेसन नहीं, आप सिंपल जो घर में बेसन रखा हो वही ले सकते हैं। तो 1.5 कप बेसन, ये हो गया 1 कप। और अब मैं ले रही हूँ उसी कप का 1/2 कप। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पारुल ऐसे कप ना हो मेजरिंग वाले तो कैसे नापे। वजन की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो ये 1.5 कप बेसन लिया है, आप मान के चलिए ऐसी वाली 2 कटोरी। सारा मेजरमेंट फिर आप उन्हीं कटोरी से कर लें, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। या कोई चाय का कप ले लीजिए, ठीक है। अब बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बेसन का घोल यानी कि बैटर। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ उसी कप से 1 कप पानी। एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना लम्स बन जाएंगे, बहुत मेहनत पड़ेगी फिर उन्हें सही करने में। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हम बैटर तैयार करेंगे। इस तरीके का समझ लीजिए, मतलब पतला ही रखेंगे, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें। देखिए अभी भी ये गाढ़ा है, थोड़ा पानी में और डाल रही हूँ, जो 1 कप पानी लिया था अभी वही है। और एक ही डायरेक्शन में इसको बढ़िया से फेंट लेंगे कि इसमें लम्स ना रहें। वो जो शिकायत होती है ना कि बूंदियां गोल गोल मोतियों जैसी नहीं बनी, शेप खराब हो गई, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपका घोल पतला होना। आप ज्यादा घोल को गाढ़ा रखेंगे तो क्या होगा कि बाद में जो वो बूंदी है उसकी ऊपर की सरफेस बहुत मोटी हो जाएगी और वो चाशनी परफेक्टली अब्सॉर्ब नहीं करेंगी। ज्यादा पतला कर देंगे घोल को तो उसकी राउंड शेप नहीं आएगी। और ये देखिए, जब आप इसको इस तरह गिरा रहे हैं तो इसमें रिबन नहीं आ रही, ये घुल जा रहा है इसी में। ये देखिए, एक तो ये इंडिकेशन, दूसरा इस तरह से ये बूंद बूंद गिर रही हैं, देख रहे हैं आप। मैं फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे बूंदे गिरनी चाहिए। बिल्कुल हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर को रखना है। और ऐसा बैटर बनाने में मेरा इस कप का पूरा 1 कप पानी लग गया है, यानी मैंने 1.5 कप बेसन लिया और 1 कप इसमें पानी लगा है। पानी आपका थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करेगा आपने जो बेसन लिया है वो कितना मोटा या बारीक है। बूंदी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने रख दिया था, तो तेल है बढ़िया गर्म। अब हम अपने बैटर में इसमें से लेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। गरम तेल हमको लेना है और गरम तेल को जो अभी हमने बैटर तैयार किया ना इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही जरूरी ट्रिक, गरम तेल इसमें डालने से जो हमारी बूंदी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। यही ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी जब मैंने बोंडा और मधुर बड़ा बनाए थे। अपने बूंदी के लड्डू में बिल्कुल बाजार जैसा कलर आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिएगा वरना बगैर इसके भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा कलर कम आएगा बस इतना ही होगा। या फिर आप इसकी जगह पर 2 पिंच हल्दी डाल लीजिए, हल्दी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपकी बूंदी में। और अपनी बूंदियों को गोल गोल फूला बनाने के लिए इसमें अब जाएगा 1 पिंच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, घर में रहता ही है। मान लीजिए घर में आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप क्या करें लगभग 6 से 7 मिनट तक इस बैटर को बीटर या स्पून से बढ़िया से फेटे, इतना अच्छे से फेटे कि इसमें एरिएशन हो जाए, फिर आपकी जो बूंदी है वो फूली फूली बनेगी। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ मंदिर जैसी रसीली मोतियों जैसी गोल गोल मीठी बूंदी का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देती हूँ जिससे कि आप बिना झारा जो भी चीज आपके पास घर में हो उससे आप इजीली बना ले। तो बिना झारा बूंदी बनाने के लिए आप सिंपली लीजिए पूरी वाली छलनी, वही छलनी जिससे आप पूरी तलते हैं, हम सभी के घर में रहती है, किसी भी प्रकार की हो वो चलेगी। इसमें जो ये होल्स होते हैं इससे आप बहुत ही आसानी से एकदम राउंड राउंड शेप की आप फूली हुई बूंदी बना सकते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो है ग्रेटर यानी
कद्दूकस। अगर आपके पास घर में कद्दूकस है, आप बहुत ही बढ़िया बूंदी इससे भी बना सकते हैं, या इस तरीके का छोटा वाला कद्दूकस है तो वो ले लीजिए। इसमें फायदा क्या होता है, साइड में सपोर्ट रहता है, तो जब आप बैटर डालते हैं तो वो कढ़ाई में नहीं गिरता। या फिर आपके पास ऐसा पाव भाजी वाला जो मैशर होता है, जैसे आलू भी मैश करते हैं, ये है और इसमें ऐसे होल है, तो आप इससे भी कर लीजिए। तो ये सारी चीजें वो है जो जनरली सभी के घर में होती है। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालिए कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। सबसे जरूरी टिप, बूंदी जब आप डालें बनाने के लिए, उस वक्त ऑयल होना चाहिए एकदम बढ़िया गरम, और डालने के बाद फ्लेम कर दीजिए मीडियम। पूरा प्रोसीजर फिर मीडियम फ्लेम पर करिए, जिससे कि बूंदी जले नहीं, बढ़िया से अंदर तक क्रिस्पी सिक जाए। आपकी बूंदी तभी फ्लैट होंगी या शेप तभी खराब होगी जब ऑयल आपका ज्यादा गर्म नहीं होगा। ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया है, तो बस इस स्टेज पर एक बूंद हम डालकर देखेंगे कि हमारा बैटर परफेक्ट गर्म है कि नहीं। ये देखिए, जैसे ही मैंने डाला तुरंत ही बूंदी ऊपर आ गई। यही सबसे जरूरी पॉइंट है अच्छी बूंदी बनने के लिए। सारी बातें आपको बताती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको बनाने में बिल्कुल परेशानी ना हो। तो मैं पहले आपको बनाकर दिखाती हूँ कद्दूकस से, यानी ग्रेटर से, क्योंकि गर्माई ज्यादा निकल रही है, तो हाथ को ध्यान रखिए ऊपर रखना है। और सबसे पहले इस पर डालिए एक चमचा भरकर बैटर। एक चमचा भरकर जब बैटर डालें तो रुकिए थोड़ा सा, अगर आप एक साथ डालते जाएंगे तो बूंदी सारी नीचे चिपक जाएंगी, शेप बिगड़ जाएगी। देख रहे हैं कितना आसान है, मैं हिल भी नहीं रही हूँ, अपने आप गिर रही है। अब आप फ्लेम को थोड़ा सा मध्यम कर दें, जिससे कि बूंदी अंदर तक क्रिस्पी सिक पाए। ज्यादा तेज में कर देंगे तो सिक नहीं पाएंगी ना, फिर उसके बाद वो मुलायम पड़ जाएंगी। थोड़ा सा रुक कर फिर से डालें, जितनी कढ़ाई में स्पेस हो बस उतनी ही आप एक बार में डालें। परफेक्ट, इस प्रकार छलनी वाली छलनी से इस तरह घुमाएं। परफेक्ट, खन खनाने की आवाज आ रही है इतनी जल्दी, क्योंकि बूंदी को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने परफेक्ट गरम तेल लिया है, परफेक्ट रेशो लिया है, तो सवाल ही नहीं उठता कि बूंदी में कोई भी परेशानी हो बनाने में। और आज तो मैं बहुत ही एक्सप्लेन वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आपकी बूंदी एक ही बार में परफेक्ट बने। और मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा इसको बढ़िया से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, जिससे कि बूंदी अंदर तक बढ़िया क्रिस्पी रहे। और ये लीजिए, देखिए बनी है ना एकदम गोल गोल परफेक्ट। और ये देखिए काफी गर्म है, मैं एक आपको यूं ही दिखाती हूँ। देखिए बनी है ना परफेक्ट, बिल्कुल नहीं है ना मुलायम, एकदम करारी क्रिस्पी। और देखिए ऑयल भी अब्सॉर्ब नहीं किया है, अगर आप ठंडे में डाल देते फ्लैट भी हो जाती, साथ के साथ तेल पी लेती। अब देखिए जरूरी टिप, अब आप डालने वाले हैं दूसरी बार, तो जब आप दूसरी बार डालें, चाहे कद्दूकस पे बनाएं या करछी पर, इसको एक बार बढ़िया से पोंछ लें, या पानी से धो करके अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछ लें तब बनाएं। क्योंकि अगर आप पहले से गंदे वाले में फिर दोबारा बूंदी के लिए जब डालेंगे बैटर, तो उससे क्या होगा, शेप बिगड़ जाएगी, क्योंकि नीचे से सारे में बेसन लगा होता है, तो फिर डालने पर वो शेप खराब हो जाती है। तो आप ये काम पोंछ कर करें, और सेकेंड बैच भी हम बिल्कुल इसी प्रकार से बना लेंगे। और बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, सारी ही बूंदी हम निकाल लेंगे। लीजिए एकदम मस्त गोल गोल बूंदी। चलिए तो मैं आपको पूरी तलने वाले झारे से भी बता देती हूँ। और करछी के ऊपर आप डालिए इस तरह से बैटर। बूंदी बना रही हूँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब स्कूल में 26 जनवरी या 15 अगस्त होता था तो हमेशा बूंदी के लड्डू मिलते थे। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने भी स्कूल के टाइम पर बूंदी के लड्डू ही खाए हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। अब आपकी चॉइस है, जिससे चाहे उससे बनाएं। तो लीजिए हमारी बूंदी है सारी रेडी, बहुत ही कुरकुरी करारी हमारी बूंदी तैयार हुई है, ये देखिए परफेक्ट। तो चलिए फटाफट तैयार करते हैं चाशनी बूंदी के लड्डू के लिए। चाशनी बनाने के लिए आप गैस पर चढ़ाइए बड़ी सी कोई कढ़ाई या पैन, थोड़ा फैला हुआ सा, और गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी, यानी उसी कप या कटोरी से जिससे आपने बेसन लिया था। तो हमने 1.5 कप लिया था बेसन, तो 1.5 कप ही हम चीनी लेंगे। और बराबर मात्रा में ही हम इसमें डालेंगे पानी, यानी 1.5 कप पानी, तो 1 कप और 1/2 कप। मीडियम फ्लेम पर चीनी को बढ़िया से घुलने देंगे। यहाँ जरूरी बात, हमें किसी भी प्रकार की यहाँ कोई चाशनी नहीं बनानी है, एक तार दो तार कोई नहीं, तार वाली चाशनी हमें बिल्कुल नहीं बनानी है। जैसे गुलाब जामुन के लिए हम करते हैं ना चिपचिपा सा सिरप रखते हैं, जैसे हनी शहद होता है, बस उस कंसिस्टेंसी का। तो ये देखिए चीनी हमारी पूरी मेल्ट हो गई है, घुल गई है। तो इसी स्टेज पर मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप पसंद करें इलायची का फ्लेवर तो डालें, वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, अच्छा सा कलर और खुशबू आ जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा उबाल इसमें आ रहा है, बस चेक कर लेते हैं। इस तरह से दो उंगलियों के बीच में आप रख कर देखिए, देखिए कोई तार नहीं है,
है ना, लेकिन छूने पर ये आपको चिपचिपा लगेगा। बस इतने भर तक ही हमें चाशनी को पकाना है। इस स्टेज पर अपनी बूंदी में बढ़िया सा कलर आने के लिए और बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट बूंदी के लड्डू दिखने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालिए, वरना इसके बगैर आप बना सकते हैं क्योंकि पहले भी हम डाल चुके हैं। इस स्टेज पर गैस को आप 1 से 1.5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए और फिर आप अपनी गर्म चाशनी में डालें बूंदी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी गोल गोल मोतियों जैसी सुंदर बूंदी और अच्छी तरीके से करेंगे चाशनी के साथ मिक्स। अभी यहाँ पे थोड़ी देर तक आप मिलाते हैं, उतनी देर चाशनी पकती रहती तो क्या होता है कि उसमें तार आ जाता। तो ये बहुत ही जरूरी टिप है, पहले सारा काम कर ले, उसके बाद 1 से 2 मिनट हम चाशनी के साथ बूंदी को और पका लेंगे। अब आप गैस को ऑन करें और फ्लेम को थोड़ा लो कर दें और इस पर लगा दीजिए एक ढक्कन। हलवाई क्या करते हैं, इस तरह से बूंदी बनाने के बाद थोड़ा ढक देते हैं, उससे क्या होता है कि जो बूंदी है वो बढ़िया से चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेती है, साथ के साथ फूली फूली हो जाती है, कलर सुंदर हो जाता है, उनमें एक तरीके की बाइंडिंग आ जाती है, जिससे जब आप लड्डू बांधते हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं बूंदी आपको बहुत ही ज्यादा रसीली और बंधी बंधी दिख रही होंगी, बिखरी हुई नहीं है बिल्कुल भी। बस 2 मिनट और इस पर ढक्कन लगाकर इसको बंद गैस पे, गैस आप बंद कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। फटाफट करते हैं एक छोटा सा काम, गैस पर चढ़ाइए आप एक पैन या कोई भी कढ़ाई और फ्लेम को कर दीजिए लो। यहाँ मैं ले रही हूँ लड्डू में पड़ने वाले मगज के बीज। तो ये हो गए हमारे वाटरमेलन सीड्स और ये हैं हमारे मस्क मेलन सीड। और अगर मान लीजिए ये दोनों ना भी हो, सिंपल कोई भी ड्राई फ्रूट्स, काजू हो, छोटे छोटे टुकड़े काजू के भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज मस्क मेलन सीड्स और हल्का सा इसको सेक लेंगे, कच्चे मत डालिएगा। ये देख रहे हैं ना आवाज आ रही है चटकने की, हल्का हल्का फूलना शुरू हो गए, बस इतना भरी हमें इसको सेकना है। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद। तो चलिए अपनी बूंदी भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बढ़िया हमारी बूंदी ने चाशनी अब्सॉर्ब कर ली है और अभी गर्म है, गर्म में ही आपको लड्डू बनाने हैं, बस इतनी कि छू सके आप। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, थोड़ी बचा लेते हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। साथ ही इसमें डाल देते हैं अपने खरबूजे के भुने हुए बीज, कितने सुंदर दिख रही हैं, ऐसे ही खाने का मन कर जाएगा, फिर लड्डू तो मजा आ जाएगा खाकर। अब आप लीजिए लगभग इतना हिस्सा हाथ पर और इस तरह से लड्डू को बांधिए हल्के हाथ से दबाते हुए, बिल्कुल बंद रहे, कुछ भी आपको ड्राई फील नहीं होंगे क्योंकि चाशनी बूंदी में परफेक्ट अब्सॉर्ब हुई है। ये देखिए ये है हमारा तैयार बिल्कुल हलवाई जैसा बेहतरीन बूंदी का लड्डू। ये देखिए मेरा बेटा भी आ गया बूंदी खाने के लिए, आप सब तरफ से देख सकते हैं बूंदी हमारी दिख भी रही है, साथ के साथ लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा लग रहा है। जरूर जरूर बनाइए और सबको दीजिए बूंदी के लड्डू का ये बेहतरीन सरप्राइज। तो सभी लड्डू हम बिल्कुल इसी प्रकार तैयार कर लेंगे और बस इसको दे देते हैं हलवाई वाला लुक। ये लीजिए तैयार है हमारा परफेक्ट बूंदी का लड्डू, लग रहा है ना एकदम बाजार जैसे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे हलवाई जैसे रसीले बूंदी के लड्डू, देखने से ही आ रहा है ना मुंह में पानी। और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बूंदी ना दिख रही हो, एक एक बूंदी भी दिखाई दे रही है लड्डू में, जबकि हमने हाथ से बांधे हैं फिर भी मैश नहीं हुई। जरूर 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 बनाइए, यकीन मानिए आपके पहली बार में ही बूंदी के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे बिना किसी शिकायत। आइएगा जरूर, मैंने आपके लिए भी 4 लड्डू पैक कर दिए हैं, आइएगा ना कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। और इस तरह से बना करके आप एक एयरटाइट बॉक्स में बनाकर रख दीजिए, बाहर भी रखेंगे तो भी ये लड्डू आसानी से 10 दिन चल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें, सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।